आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा Etsy एंड Printful का, कैसे आप Printful का यूज करके टी शर्ट डिजाइन बना सकते हैं एंड कैसे आप Etsy का यूज करके उन डिजाइन को सेल कर सकते हैं इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर भी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे डिजाइन ढूंढ सकते हो टी शर्ट के लिए, कैसे डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, डिजाइन के लिए मॉकअप कैसे बना सकते हो, कैसे लिस्ट कर सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो, फाइनली प्रमोट भी कैसे कर सकते हो, और फाइनल में आपको एक टिप देने वाला हूं। उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप एक ऑनलाइन टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, टी शर्ट छोड़ो कोई भी क्लोथिंग, हुडीज हो गया, शर्ट्स हो गया, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एंड ऑनलाइन पूरे अपने घर बैठे ही, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है एंड कैसे आप Etsy एंड Printful का यूज कर ये प्रिंट ऑन डिमांड अचीव कर सकते हैं एंड हजारों लाखों में आप कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आना है Etsy.com पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है कि अभी ट्रेंडिंग में कौन कौन से चीज़ें चल रहा है, कौन कौन से कैटेगरी चल रहा है, क्योंकि अगर आप कुछ भी डिज़ाइन बनाएंगे तो सेल नहीं आएगा। तो उसके लिए हम सर्च कर लेते हैं टी शर्ट वगैरह। तो यहाँ पर आपको टी शर्ट का ऑलरेडी का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे, मामा डिज़ाइंस, हस्बैंड, फादर, हीरो, लेजेंड, बहुत सारे डिज़ाइंस है। आपका वो सर्च करना है कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। ओके, तो अभी एक कैटेगरी है ट्रैवल कैटेगरी, क्योंकि अभी सीज़न ही ऐसा है, मौसम ही ऐसा है, सब लोग घूमने जा रहे हैं, तो हम ट्रैवल सर्च कर लेते हैं, ट्रैवल टी शर्ट हम सर्च कर लेते हैं। उसके बाद से जो रिज़ल्ट आएगा आप यहाँ से देखना, वी बी ट्रिपिंग, आई हैवन बीन एवरीवेयर, बहुत सारे ट्रैवल के टी शर्ट, स्वेट शर्ट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है आपको वही चूज़ करना है एंड आपको वैसा डिज़ाइन बनाना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ कैसे आपको डिज़ाइन वगैरह बनाना है, कैसे ट्रेडमार्क चेक करना है, कैसे Printify पर लिस्ट करना है, Etsy पर लिस्ट करना है, प्रॉफिट ऐड करना है, सब कुछ एंड आपको कैसे पैसे मिलेंगे, सब कुछ हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर से देखिए। तो ये वाला डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एयरप्लेन मोड, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। ये वाला डिज़ाइन, इसका प्राइस है 1000 रुपीज़ एंड इसका रिव्यूज़ देख लेते हैं। रिव्यूज़ है 141 रिव्यूज़, यानी 141 माना जाता है कि 25% से भी कम लोग रिव्यूज़ छोड़ के जाते हैं, यानी करीब ये टी शर्ट 500 से ज़्यादा बार सेल तो हो ही चुका है। तो ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हम ये वाले डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो ये वाला अच्छे से देख लेना, एयरप्लेन मोड काफ़ी सारे कलर्स में भी है, आप कैसे ऐसे मॉकअप बना सकते हो वो भी हम बात करने वाले हैं। एंड ये मैं आपको बता दूँ, आप जो जो मैं आप बताने जा रहा हूँ आपको एक भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ फ्री में कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर द लिस्टिंग पार्ट, मगर वो हम बाद में बात करने वाले हैं। सबसे पहले डिज़ाइन करने से पहले आपको चेक करना है ट्रेडमार्क, कि ये जो चीज़ है एयरप्लेन मोड, ये स्लोगन क्या पहले किसी ने यूज़ किया या फिर ट्रेडमार्क है कि नहीं, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए दोनों तरीके हैं, एक तो है अगर आप ये टी शर्ट US में सेल करना चाहते हो, अमेरिका में, जो कि सबसे अच्छा होता है, आप ज़्यादा प्राइस में सेल कर सकते हो, तो उसके लिए एक अलग वेबसाइट है एंड अगर आप इंडिया में सेल करना चाहते हो उसके लिए एक अलग वेबसाइट है। तो इंडिया के लिए quickcompany.in, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, कोई भी आप स्लोगन सर्च कर सकते हो, मैं सर्च करता हूँ एयरप्लेन मोड, तो नो ट्रेडमार्क फाउंड्स फॉर एयरप्लेन मोड, इंडिया में कोई ट्रेडमार्क नहीं है। हम USA में सर्च कर लेते हैं, तो यह USA का ट्रेडमार्क पेटेंट का ऑफिस सर्च कर लेते हैं एयरप्लेन मोड, तो USA में कोई भी नहीं है, यानी आप ये वाला स्लोगन ईजिली यूज़ कर सकते हो, तो हम यही यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले करना है आपको डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग के लिए बहुत सारे वेबसाइट ऐप्स मिल जाते हैं, मगर मैं यूज़ करने वाला हूँ canva.com, क्योंकि फ्री है एंड ईजी टू यूज़ है, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, आप यहाँ पर बना सकते हैं डिज़ाइन। तो यहाँ पर नॉर्मल वर्जन होता है एंड एक प्रो वर्जन होता है, तो प्रो वर्जन आप ले सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च करना कैनवा प्रो, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे तरीके, तो वहाँ से आप प्रो वर्जन ले सकते हैं काफ़ी इजीली एंड वहाँ पर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। सबसे पहले आपको करना है कस्टम साइज़ पर क्लिक, यहाँ पर आपको विड्थ देना है 4500 एंड हाइट 5400 एंड क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन। ये हमारा नया पेज आ गया, यहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कैनवा पे आता हूँ, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं टी शर्ट डिज़ाइन बोलकर, तो यहाँ पर टी शर्ट सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे टी शर्ट डिज़ाइन मिल जाएंगे, ये भी आप यूज़ कर सकते हो चाहे तो, मगर मैं यूज़ करने वाला हूँ जो Etsy पर मैंने देखा ऐसा डिज़ाइन, क्योंकि ऐसा डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है एंड आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो मैं ये वाला ही बनाने वाला हूँ एयरप्लेन मोड। तो ये है कैनवा, आप कैनवा पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, तो मैं टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ, ऐड अ हेडिंग, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ एयरप्लेन मोड, एयरप्लेन मोड। ओके, अब इसका हम फॉन्ट चेंज करते हैं, आपको बहुत सारे फॉन्ट्स प्रीबिल्ड मिल जाते हैं एंड यहाँ से आप और भी फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, ये वाला एंड ये वाला प्रीमियम है, प्रीमियम आप ले सकते हैं, मैंने पहले आपको बताया, एंड ये वाला कर्सिव राइटिंग में कुछ देखते हैं कर्सिव में क्या क्या अच्छा आता है, या ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है
ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, एयरप्लेन मोड ये वाला फ़ॉन्ट, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा एंड हम पहले वाला डिज़ाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक एयरप्लेन का एक क्लिप आर्ट है तो वो भी हम ऐड करने वाले हैं, तो ये वाला थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं एंड ये ठीक है। ओके एयरप्लेन मोड एंड क्लिप आर्ट सर्च करने के लिए आपको जाना है एलिमेंट्स पे, यहाँ पर सर्च करना है एयरप्लेन एंड आपके पास एयरप्लेन का बहुत सारे क्लिप आर्ट आ जाएगा। तो ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये वाला ऐड कर लेता हूँ। तो आपके हिसाब से ये एयरप्लेन को एडजस्ट कर सकते हैं, मगर ये फॉन्ट के कलर का नहीं है, थोड़ा ग्रीनिश कलर है, आप यहाँ से इजीली कलर चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो अभी ब्लैक हो चुका है, आप कोई भी और कलर में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कौन से वाला में अच्छा लगेगा एयरप्लेन वाला, ये वाला अच्छा लग रहा है ऐसे करके एयरप्लेन मोड। हम और भी चीज़ें ला सकते हैं, ये वाला भी अच्छा है, तो इसे हम कर लेते हैं डिलीट एंड ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है एयरप्लेन मोड। ओके बस इतने सिंपल डिज़ाइन में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सेल हो रहा है, कितना ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन में यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड बहुत सारे जो हेवी हेवी डिज़ाइनिंग वगैरह होते हैं उस पर कम सेल आते हैं, मगर ये सिंपल कितना अच्छा सिंपल डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, सेल ज़्यादा आ रहा है। तो आपको वही चूज़ करना है, जो सब लोग कर रहे हैं आपको वो नहीं करना, जो सेल हो रहा है आपको वही करना है। जैसे कि ये वाला काफ़ी सिंपल हमने डिज़ाइन बनाया, आप चाहे तो कोई और भी चीज़ एलिमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं, एयरप्लेन मोड और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, ग्राफिक्स में चलते हैं एंड यहाँ पर और भी बहुत सारे एयरप्लेन्स का डिज़ाइन है, ये वाला भी काफ़ी अच्छा है एयरप्लेन मोड। तो इसको हम करते हैं डिलीट एंड ये नीचे वाला जो न्यू एयरप्लेन हमने ऐड किया इसे हम कर लेते थोड़ा सा बड़ा एंड ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके एंड इसको ऊपर रख देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ टेक्स्ट को एंड पहले वाला डिज़ाइन भी रहने देता, पहले वाला डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। तो ये वाला तो दोनों ही रख देते हैं, यहाँ पर एयरप्लेन मोड काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसको हमें सेव करना है, आप सेम चीज़ का अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि मैं नीचे क्लिक करता हूँ ऐड पेज पर, आपको सारा का सारा करना है कॉपी एंड यहाँ पर आप कर सकते हैं पेस्ट। अब अलग कलर में ऐड कर सकते हैं, तो इसे हम कर लेते हैं वाइट कलर में, वाइट इसको भी करेंगे वाइट एंड ऊपर वाला भी करेंगे वाइट। अब आपको लग रहा होगा कि पूरा वाइट पे हम क्या करेंगे, तो आपको आगे समझ में आएगा। तो इसे आपको करना है शेयर, हम दोनों ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। आपको क्लिक करना है शेयर डाउनलोड, तो आपको जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला चीज़ आपको टिक करना है एंड डाउनलोड करना है। इसलिए क्या होगा, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा एंड आपका बस टेक्स्ट रह जाएगा। यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा कि वाइट है मगर नहीं, जैसे मैं इसे करूँगा ब्लैक आपको दिख रहा होगा ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसे हम वाइट ही रहने देते ताकि हम ट्रांसपेरेंट पे डाउनलोड कर सके। तो डाउनलोड एंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड एंड डाउनलोड, तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है एज अ जिप फाइल। तो ये है हमारे दोनों डिज़ाइन, आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा मगर यही है, मैं आपको आगे दिखाऊँगा कैसे आपको मॉकअप बनाना है। तो ऐसे मॉकअप बनाने के लिए आप चाहे तो प्रिंटिफाई का इंटीग्रेटेड मॉकअप सिस्टम यूज़ कर सकते हो या फिर आप चाहे तो अपना खुद का कस्टम मॉकअप भी बना सकते हो, दोनों ही फ्री है। एंड आप चाहे तो एटसी से मॉकअप खरीद भी सकते हो। तो क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सब कुछ फ्री में कैसे करना है, तो मैं सब कुछ फ्री तरीका ही बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको स्मार्ट मॉकअप्स के बारे में बताते हैं, स्मार्ट मॉकअप्स आपको सर्च करना है एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉकअप्स पेड है एंड बहुत सारे फ्री भी है, आप फ्री में मॉकअप भी बना सकते हो। उसके लिए आपको अपलोड योर इमेज करना है एंड ये टी शर्ट पर हमारा डिज़ाइन अपलोड हो चुका है। क्योंकि ये वाला डिज़ाइन हमारा वाइट है तो वाइट टी शर्ट पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो हम टी शर्ट का कलर करने वाले चेंज, हमने टी शर्ट पर क्लिक कर लिया एंड यहाँ से जाएंगे कस्टमाइज पर एंड टी शर्ट का कलर करने वाले हैं ब्लैक, यहाँ से करेंगे ब्लैक एंड हमारा डिज़ाइन अभी विजिबल हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में एंड उसके नीचे आपको और भी मॉकअप्स मिल जाते हैं, बहुत सारे फ्री है बहुत सारे पेड है। तो इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ डाउनलोड, मीडियम साइज फ्री है। तो हमारा मॉकअप भी डाउनलोड हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा मॉकअप, अब इसे इट्सी पर या फिर प्रिंटफुल पर भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ये डिज़ाइन इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे खुद खरीदने का मन करे, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है। तो ये तो एक तरीका है स्मार्ट मॉकअप से, मैं एक और तरीका बताने जा रहा हूँ जो कि कैनवास से आप कैसे बना सकते हैं। आपको सबसे पहले आना है pexels.com पर, यहाँ पर आपको सर्च करने है टी शर्ट मॉकअप, तो मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा था टी शर्ट मॉकअप एंड आपके सामने बहुत सारे मॉकअप्स का आ जाएगा ब्लैंक टी शर्ट। ओके तो हम लेने वाले ये वाला ब्लैक टी शर्ट एंड ये वाला, दोनों हम लेने वाले, इसे कर लेते हैं डाउनलोड, ये सब कुछ फ्री है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हाई क्वालिटी में एंड डाउनलोड हो गया एंड इसको भी कर लेते डाउनलोड, ये भी डाउनलोड हो गया। अब आपको आना है कैनवा पे, ये हम आ चुके हैं कैनवा, यहाँ पर आपको अपलोड पे जाना है एंड वो दो पिक आपको अपलोड करना है, अपलोड फाइल्स, तो दोनों फ़ोटो
आ चुके हैं यहाँ पर अपलोड होकर। एंड इसे हम लाते हैं यहाँ पर क्लिक करके, तो ये साइज़ थोड़ा ऊपर नीचे ब्लैंक आ रहा है, इसको हम थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ये वाला ऐसे करके। इमेज का साइज़ ज़्यादा है, डोंट वरी, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस तरीके से हम ला सकते हैं, ओके। एंड हमने जो टी शर्ट जो PNG बनाया था पहले वाले, वो आपको डिज़ाइन यहाँ से अपलोड करना है। अपलोड फाइल्स पे चलते हैं। एंड ये वाला डिज़ाइन हमने जो किया था उसे हम करेंगे अपलोड एयरप्लेन मोड। एंड इसको सिंपली से इसके ऊपर रखना है और कुछ नहीं, ऐसे करके। एंड हमारा हो गया। इसका ओपेसिटी थोड़ा कम कर लेते ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे, ओके। एक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपका मॉकअप रेडी है फ्री में, आप इसे शेयर करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करने की ज़रूरत नहीं, हमें यह वाला बैकग्राउंड ही चाहिए। एंड डाउनलोड मैं सर्च करूँगा आप JPG में डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें पिक्चर का साइज़ बहुत ही कम होता है मगर क्वालिटी सेम रहता है। तो PNG में आप देखना 2.5 MB है, इसे हम JPG में करेंगे डाउनलोड। PNG अभी JPG में करेंगे एंड देखेंगे साइज़ कितना आ रहा है। तो JPG में सेम पिक आ रहा है हमारा, कहाँ गया, 270 KB सेम पिक है, मगर PNG में 2.5 MB। तो मैं को सर्च करूँगा JPG में डाउनलोड करें। तो फर्स्ट डिज़ाइन हो गया, सेकंड डिज़ाइन चलते हैं। तो इसे हम कर लेते हैं डिलीट, इसे भी डिलीट। सेकंड डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर अपलोड, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ऐसे करके। एंड ये आ गया। एंड फिर से लेंगे एयरप्लेन मोड वाला। एंड ये यहाँ पर आ गया, इसका ओपेसिटी थोड़ा करेंगे कम। तो ये रहा हमारा व्हाइट टी शर्ट वाला, इसको हम करेंगे रिसाइज थोड़ा सा, पूरा स्क्रीन में ला देते हैं ऐसे, थोड़ा सा और ऐसे करके। एंड इसको हम करेंगे सेंटर में। एंड जो हमने ब्लैक वाला डिज़ाइन बनाया था उसको हम करेंगे यहाँ पर इंपोर्ट, ये ब्लैक वाला डिज़ाइन। तो इसको थोड़ा रिसाइज करेंगे ऐसे करके, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको ओपेसिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको भी हम डाउनलोड करेंगे JPG में। अब चाहे तो और भी कलर्स पे ऐड कर सकते हैं, और भी कलर से, ये वाला ऑरेंज कलर, ये वाला कलर काफ़ी अच्छा लगता है, लाइट पिंक, या फिर कौन सा कलर है जरा उसे नीचे कमेंट करके बताना। तो मॉकअप्स हमारे सारे रेडी हो चुके हैं, अभी हमें करना है Etsy पर स्टोर क्रिएट। बस आपको Etsy सर्च करना है, Etsy पे जाना है, एक बार आपको साइन इन कर लेना है, काफ़ी ईजी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपने ईमेल एड्रेस से कर सकते हैं, गूगल से, फेसबुक से, या फिर एप्पल से भी कर सकते हैं। साइन इन होने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर क्लिक करना है सेल ऑन Etsy पर। आपको एक सेलर बन जाना है, आपको बहुत सारे चीज़ें मिलती है कि सेलर बनकर क्या क्या आपको वैल्यू मिलता है, मगर यहाँ पर लिस्टिंग करने के लिए आपको $0.20 मिलता है, जो कि काफ़ी कम है एक प्रोडक्ट के लिए 0.20, बस वन टाइम फ़ी, आपको और पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो INR में होता है 0.20 USD, बस 16 रुपये होता है आपको एक प्रोडक्ट का, और कुछ नहीं। तो चलिए ओपन योर Etsy स्टॉप पर क्लिक करते हैं। Etsy स्टॉप एंड लेट्स डू दिस। तो ये सब कुछ स्टेप्स कंप्लीट करना है, एंड इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे Etsy अकाउंट क्रिएट करना है। अगर मैं सारा कुछ इस वाले वीडियो में बनाऊँ तो आपका वीडियो बहुत ही लंबा एंड बोरिंग हो जाएगा। तो Etsy पर अकाउंट बनाने के लिए आपको वो वाला वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा कैसे Etsy पर अकाउंट क्रिएट करना है। तो चलिए उसके बाद का स्टेप देखते हैं। Etsy पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद सेलर अकाउंट आपको आना है Printify पे। Printify सर्च कर लेना है, एंड यहाँ पर फिर से Printify पर क्लिक कर लेना है। ये है हमारा Printify, 100% फ्री टू यूज़, 900+ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब एक काम कैसे करता है आपको बताता हूँ। तो Printify क्या करता है, आपके दिए हुए डिज़ाइन को प्रिंट करता है एंड कस्टमर तक डिलीवर करता है, ओके। अब कस्टमर कहाँ से मिलेगा, कस्टमर मिलेगा Etsy से। तो Etsy पर कस्टमर आएगा, आपका टी शर्ट देखेगा, परचेज करेगा यहाँ से, जो परचेज वाला ऑप्शन है। एंड जैसे परचेस करेगा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा काम आ जाएगा Printify पे। तो परचेस का सारे डिटेल्स Printify पे आ जाएगा, एंड Printify आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन करके कस्टमर तक डिलीवर कर देगा। बीच में आपको एक भी रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अदर देन ये 20 सेंट्स का लिस्टिंग प्राइस, सारा को सारा काम Printify कर देगा। जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो आपका कमीशन यानी जो आपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया आपको आपके अकाउंट पर आ जाएगा Printify के थ्रू। तो इस तरीके से प्रिंट ऑन डिमांड काम करता है। तो Printify पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि काफ़ी सिंपल है, साइन अप पर क्लिक करना, एंड वही सेम चीज़ है, गूगल है, ईमेल है, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है, एंड आप यहाँ से साइन इन कर सकते हो काफ़ी ईजिली। तो हमारा साइन इन हो चुका है, यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये साइन इन हमारा Printify स्टोर कुछ इस तरह के दिखता है। जब Etsy एंड Printify का दोनों पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, देन आपको यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर आपको स्टोर को अपने Etsy से कनेक्ट कर लेना है, आपको स्टोर एक बना लेना है। एंड आपको मैं बताना चाहूँगा जो Printify पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, Printify पे कैसे अपना स्टोर क्रिएट करना है, लिस्टिंग वगैरह करना है, उसके लिए हमने एक और वीडियो बनाकर रखा है डिटेल में। अब वो वाला वीडियो देखिए पहले, उसके बाद आपको ये वाला वीडियो अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो वाला वीडियो, नए वाला वीडियो सब कुछ एक साथ देखेंगे ना
तब आप एक अच्छी तरीके से एक फुल फ्लेज्ड एक बिजनेस क्रिएट कर सकेंगे ऑनलाइन। ऐसा नहीं कि काफ़ी शॉर्टकट आप इजीली बना सकते, तो इजी है अगर वो वाला वीडियो देखें कैसे प्रिंटिफाई पर अकाउंट बनाना है एंड, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। मैं बस एक डेमो स्टोर क्रिएट कर लेता हूँ सेव क्लिक करके। यह है प्रिंटिफाई का डैशबोर्ड, आपके स्टोर का डैशबोर्ड मिल जाता है, मतलब स्टोर का डैशबोर्ड नहीं, आप क्या क्या प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कैटलॉग पे चलते हैं, आपको आना मेंस क्लोथिंग या फिर वुमेंस क्लोथिंग में चल सकते हैं। मेंस क्लोथिंग में चलते हैं, टी शर्ट पर क्लिक करते हैं, आपका टी शर्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा टी शर्ट है, ये सारे टी शर्ट है, आपको ये सारे चीज़ें आप सेल कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी टी शर्ट एक चूज़ कर लेते हैं, ये वाला काफ़ी अच्छी यूनिसेक्स कॉटन टी शर्ट। तो ये है वो टी शर्ट जिसे हम सेल करने वाले हैं। इसका प्राइस है अभी $8.67 ओके USD में। अगर आप चाहे तो US में सेल कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्राइस में $20-$25 में। USA में टी शर्ट इजीली $20 से लेकर $25 में आप सेल कर सकते हैं ओके। तो चलिए क्लिक करते हैं स्टार्ट डिज़ाइनिंग पे। अगर आपको डिज़ाइन अपलोड करना है आप चाहे तो AI से बना सकते हो, मगर ये सब कुछ हम नहीं करने वाले। हमने जो डिज़ाइन बनाया है वो सब करेंगे माई डिवाइस। जो हमने विदाउट बैकग्राउंड बनाया था यानी PNG पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बनाया था, उसे भी डिज़ाइन को आपको करना है अपलोड। अब जब मॉकअप वाले सेक्शन में आएंगे तब हमारा फाइनल डिज़ाइन पोस्ट करेंगे। तो ये हमारा एयरप्लेन मोड, तो ऑलरेडी सेट, ठीक है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीव्यू पे चलते हैं एंड ऑटोमेटिकली यहाँ से प्रिंटिफाई पे आपको मॉकअप बनाकर देगा। मैं इसकी बात कर रहा था, प्रिंटिफाई पे आपको इंटीग्रेशन मिलता है मॉकअप का, तो कब ऑलरेडी बहुत सारे मॉकअप फ्री में मिल जाते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूँगा आप अपना खुद का मॉकअप बनाए जैसे कि हमने ये वाला बनाया था, इससे सेल ज़्यादा अच्छा आता है। तो अभी करेंगे सेव प्रोडक्ट पर। तो ये सारे मॉकअप के इमेजेस आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे मॉकअप के इमेजेस है, ये सभी मॉकअप हम बाद में मॉकअप वगैरह चेंज करने वाले हैं। तो लिस्टिंग डिटेल में अभी आता है जो SEO कैसे करना है ताकि आपका टी शर्ट सबसे फर्स्ट रैंक करे जब कोई भी सर्च करे। तो हमारा टी शर्ट का नीश क्या है, हमारा टी शर्ट का नीश है ट्रैवल। तो ट्रैवल के रिलेटेड हमें जो कीवर्ड है वो वगैरह ऐड करना है, तो बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। मैं ये वाला से लेता हूँ, आपको भी इंस्पिरेशन लेना है अदर सेलर से। यहाँ पर एयरप्लेन मोड स्वेट शर्ट, एयरप्लेन शर्ट या ट्रैवल स्वेटर सब कुछ आपको लिखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे आपको बहुत सारे जो टैग्स है जो सर्चेबल टैग्स है आपको लेना है। ऐसे आपसे कोई भी कॉपी भी कर सकते हो, मगर सारे कॉपी मत करना एंड मेक श्योर कि ये सभी ट्रेडमार्क फ्री है एंड ये सभी चीज़ों को कॉपी कर सेम चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन पर पेस्ट करना है ऐसे ओके। अब आपको पहले से एक डिस्क्रिप्शन दे जाता है, आप चाहे तो ये रख सकते हैं, मगर मैं इसे US मतलब ChatGPT से थोड़ा अपडेट कर सकता हूँ। इसे मैं कर लेता हूँ Ctrl+X यानी मैं इसे कट कर ले रहा हूँ एंड मैं ChatGPT को बोल रहा हूँ इसे इम्प्रूव करने को। ChatGPT इस टेक्स्ट को और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करके देगा, आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग करके पॉइंट करके देगा। ये सभी पॉइंट को आप कॉपी करके पेस्ट कर देना ओके। इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट, ऐसे नहीं ओके, पेस्ट हो गया सारा कुछ। आपको और नीचे आना है, आपको प्राइसिंग सिलेक्ट करना है कि आप अपने टी शर्ट का प्राइस क्या रखना चाहते हो। रिटेल प्राइस है 1445, आपका प्रॉफिट मार्जिन है 40%, अपना प्रॉफिट मार्जिन चेंज कर सकते हो, अपने प्राइसिंग चेंज कर सकते हो कोई भी, ऐसे आप चाहते हो परसेंटेज में कर सकते हो या फिर प्राइस में कर सकते हो। तो मैं ऐसे रखने दूंगा, मगर जो XXL XXL का साइज इसका प्राइस हम करने वाले थोड़ा सा ज़्यादा बल्क एडिटिंग में, ऐसे करके एडिट प्राइस में जाके हम इसका प्रॉफिट मार्जिन 40% की जगह हम 50% करेंगे एंड अप्लाई। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, देख सकते हो चेंज हो चुका है, नहीं प्रॉफिट मार्जिन मतलब ऐड हो चुका है, हमें ऐड नहीं करना, हमें चेंज करना है। तो एडिट प्रॉफिट पे जाके प्रॉफिट मार्जिन पे चलते हैं, प्रॉफिट मार्जिन पे हम चलते हैं $6.5 अप्लाई, नहीं 6.5% आ गया, हमें इसे 50% यहाँ पर करना है ओके अप्लाई। अब ये हो चुका है 50% ऊपर 40%। अब नीचे कनेक्ट स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ से Etsy पर कनेक्ट करना है प्रिंटिफाई से, ये आपका स्टोर है। उसके बाद से आपको ऑप्शन आता है Etsy कनेक्ट, Shopify कनेक्ट, TikTok, तो आपको Etsy से कनेक्ट कर लेना है, कनेक्ट टू Etsy एंड ये सारा चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो Etsy से हमारा कनेक्ट हो चुका है क्योंकि मेरे पास पहले से अकाउंट था। अब ये अनपब्लिश दिखा रहा था, हम इसे पब्लिश कर लेना है। सब कुछ चेंजेस करने को आप यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर सकते हो एंड आपका प्रोडक्ट अभी पब्लिशिंग दिखा रहा है एंड थोड़ी देर बाद पब्लिश हो जाएगा। अब आपको आना है Etsy पर अपने सेलर अकाउंट पे एंड जाके आपके सारे मॉकअप्स को चेंज कर लेना है। जो मैंने मॉकअप्स बनाए ये सब आपको Etsy पर चेंज कर लेना है। जो प्रिंटिफाई पे डिफॉल्ट मिलता है उसे भी डिलीट या फिर रिमूव करके आपने जो खुद का मॉकअप बनाया वो सभी अपलोड कर लेना है। एंड सब बट टी शर्ट ही नहीं, आपके साथ मग कर सकते हो, पजामास कर सकते हो, ब्लैंकेट कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप प्रिंट ऑन डिमांड में कर सकते हो। यहाँ पर मिल जाता है हाउ टू POD प्रिंट ऑन डिमांड कैसे करना है, वीडियो पूरा देख सकते हो।
इन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपका ऑर्डर है, कॉस्ट टू डेट है, प्रोडक्ट पब्लिश है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रिंटिफाई या एटसी को मिलाकर एक अच्छे से बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। एंड आने वाले वीडियो में मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँ कि एटसी पर कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, एटसी पर कैसे सेलर अकाउंट क्रिएट करना है बस एटसी के लिए, कैसे मैं अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड इन्फो देकर कैसे बना सकता हूँ, एंड कैसे प्रॉपर लिस्टिंग करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप ये वाला वीडियो देख कर रहिए, अपना अकाउंट बनाइए, थोड़ा बहुत ग्रो कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो नीचे जरूर से कमेंट करना, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा। या फिर अगर रिप्लाई नहीं किया तो आप मुझे ईमेल करना, वहां से जरूर से रिप्लाई करूंगा, या फिर इंस्टाग्राम भी अवेलेबल है। ओके, आज के लिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।